हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। HSSC का कारनामा कहूं या हमारे सिस्टम की गड़बड़ियां या फिर रिजर्वेशन का सिस्टम, दोस्तों एक बहुत बढ़िया मतलब एक पॉइंट निकल के सामने आया है। और यदि आपको लगता है ना कि आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और आप दिन रात पढ़ाई करके आप अपने टेस्ट में 100/100 नंबर ले लेंगे और आपकी नौकरी पक्की है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी आपके मन में डाउट अब रहेगा। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपको ऐसे लगेगा कि मेरा टेस्ट 100 नंबर का हुआ लेकिन मेरी नौकरी अब भी लगेगी या नहीं लगेगी। दोस्तों HSSC में एक कैंडिडेट ने फार्म अप्लाई किया, यहाँ पे आप देखेंगे उस कैंडिडेट का 90 नंबर का एग्ज़ाम था। कैंडिडेट ने मेहनत करके या किसी भी तरीके से 100/100 नंबर ले लिए, सॉरी 90/90 नंबर ले लिए, फिर भी उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। इस कैंडिडेट ने केस कर दिया है इस पूरी भर्ती पर, इस सिस्टम पर। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्यों है ऐसा, उसके 90 में से 90 आ गए, ठीक है। टोटल प्रोसेस 100 नंबर का है HSSC भर्ती का, 10 नंबर एक्स्ट्रा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलते हैं, ठीक है। तो इस कैंडिडेट के एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं था, यानी कि इसने अपनी मेहनत करके या किसी भी तरीके से इसने अपने रिटन एग्ज़ाम में 90/90 ले लिए और ये कैंडिडेट खुश हो गया कि अब मेरा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसके पास सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का एक भी नंबर नहीं था। क्या है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का एक भी नंबर नहीं था, इस वजह से इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिस बच्चे के दोस्तों 87 नंबर आए, उसके पास 5 नंबर थे एक्स्ट्रा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, रिटर्न में 87 आए लेकिन उसके पास सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया। ये है दोस्तों हमारा सिस्टम। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि भाई ये रिजर्वेशन सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया गलत है या सही है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो एक बार फ़ायदा ले लेगा फिर उसके बच्चे को नुकसान होगा कहीं ना कहीं दोस्तों, या क्या बोलूँ इस सिस्टम के बारे में। यदि मैंने उस पॉइंट पर अपनी बात रख दी तो वे लोग मुझ पर चिल्लाएंगे, यदि मैंने उस पॉइंट पर अपनी बात रख दी तो दूसरे लोग मुझ पर चिल्लाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मेरा एक उद्देश्य वीडियो बनाने का यही था कि हम खुश हो जाते हैं 24 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारे 100/100 नंबर आएंगे और हम नौकरी ले लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 100/100 आने के बाद भी पक्की नौकरी नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।